भागो भाई भागो, देखो जरा लाठी डंडे चल रहे हैं। वैसे भाई साहब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खास तौर से ट्विटर पर। अब आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के दरियाबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो किन्नर गुटों में लाठी डंडे चल गए मामूली कहासुनी को लेकर। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई में जुटी हुई है। अब भाई साहब दूसरी खबर सुनते जाइए, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा जिलाध्यक्ष अर्पित सिंह राठौर बकायदा भाई साहब धरने पर बैठे हैं चार पांच साथियों के साथ। मामला पूछा भाई साहब तो बताने लगे कि रामलीला कच्छ में काय के लिए बैठे हैं। सुनिए जरा, दयानंद नगर में किस लिए धरना दे रहे हैं आप? मैं अर्पित सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष छात्र संघ भगत सिंह प्रकोष्ठ बाराबंकी। हमारा संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी हैं, तो उन्होंने पिछले महीने में 23 फरवरी को मोहनलालगंज में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले 1 मार्च से हम लोग दिल्ली में हो रहे आंदोलन से उन्होंने अपना हिस्सा अलग कर लिया था 1 महीने पहले। उसके 1 महीने बाद उन्होंने एक बैठक बुला के ये निर्णय लिया था कि आने वाले 1 मार्च से हम लोग उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के मंच के नीचे बैठ कर हम लोग जो है अपना आंदोलन दूसरे स्वरूप में शुरू करेंगे, जिसको लेकर के हम लोग अपने जिले में, बाराबंकी जिले में हमारे संगठन के कई पदाधिकारी अपने अपने गांवों में 5 लोगों के साथ बैठकर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें वही मांगे हैं जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वही मांगे भी हैं, और उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक उनका दूसरा चरण का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक हम लोगों का ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा।